सूरतपुर में क्षेत्र विधायक खेलसाय सिंह ने रामानुजनगर सहकारी समिति में मां अन्नपूर्णा देवी की आराधना कर धान खरीदी महाअभियान का शुभारंभ किया। राजोत्सव के साथ साथ प्रदेश के पंजीकृत किसानों को धान खरीदी भी 1 नवंबर 2022 को शुरू हो गया। वहीं क्षेत्र विधायक सिंह ने अब सपुत्री रेखा सिंह की 9 क्विंटल 20 किलो धान रामानुजनगर समिति के द्वारा खरीदी किया गया। इस धान खरीदी महाअभियान में क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देते हुए क्षेत्र विधायक सिंह ने किसानों को अनेक जानकारी देते हुए बताया कि पिछले साल की तरह इस साल किसानों के हित में छत्तीसगढ़ सरकार ने समर्थन मूल्य में 1 रुपये प्रति क्विंटल दर से वृद्धि किया गया है और वरदाना सहित वजन 40 किलो 700 ग्राम प्रति बोरी के हिसाब से धान किसानों से खरीदी करना है। जानकारी देते हुए सिंह ने यह भी बताया कि किसान स्वयं 30% टोकन तुहर हाथ ऐप के माध्यम से घर बैठे टोकन ले सकते हैं। धान खरीदी के समय बड़े पैमाने पर अफरा तफरी करने वाले धान बिचौलियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष नरेश रजवाड़े, SDM उत्तम रजक, राजू सिंह, रशि दुबे, विनोद जायसवाल, अवधेश प्रताप सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सर, पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष जो आपका समर्थन मूल्य धान खरीदी हुआ, क्या अंतर में होगा सर? पिछले वर्ष 1940 रुपये था, इस साल 2040 रुपये है और पिछले वर्ष किसानों को राजीव गांधी किसान योजना के राशि मिला करके 2540 का भुगतान हुआ था। इस साल 2640 रुपये का भुगतान होगा, 100 रुपये प्रति क्विंटल का अंतर है। सर, मान लीजिए अपन ये करते हैं सर, जैसे कोचियाओं को रोकने के लिए जो कोचिया होते हैं धान खरीदी में, उसके लिए प्रशासनिक शासन से क्या प्रबंध किया गया? बहुत कठोर उसमें कार्रवाई की जाएगी। हमारे जिले के कलेक्टर महोदया के द्वारा स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है कि बाहरी धान और कोचिया बिचौलियों के द्वारा अगर बेचते हुए पकड़े जाते हैं तो उसमें उनके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ में अगर समिति प्रबंधक का मिली भगत है तो समिति प्रबंधक के ऊपर भी कार्रवाई होगा। ऑपरेटर हो तो उसमें कोई भी बक्से नहीं जाएंगे उसमें, क्योंकि किसान हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा किसानों के हित में इतनी बड़ी राशि दे करके धान खरीद किया जा रहा है और किसानों को आर्थिक रूप से ऊपर उठाने के लिए किया जा रहा है, तो उसमें बिचौलिया या अन्य किसी माध्यम से धान अगर कोई छपाना चाहे तो संभव नहीं है। सर, बोले कि अपन जैसे धान खरीदी के समय सर, जैसे किसानों हमाली लोगों से काम कराया जाता है जी, है ना, इसके बाद भी जैसे किसान वर्कर होते हैं जो काम करते हैं, कुछ ऐसे समिति केंद्र हैं जहाँ पे किसान काम करते हैं, तो सिर हमाली लोगों को आते हैं किसानों को कुछ सर इसके लिए है, किसानों को कराया जाना है, क्या इसमें नियम है? नहीं, इसमें हमाली के माध्यम से ही कराया जाना रहता है, जो रजिस्टर्ड होते हैं या पंजीकृत होते हैं, क्योंकि उनको तोलना है, छल्ली मारना है, तो उतनी जड़बड़ी बड़ी जो स्टेक लगती है, तो किसान उस स्टेक में चढ़ने के दिक्कत होता है, उनको अनुभवी नहीं होते हैं, इसलिए हमाली यहाँ पर रहते हैं, पंजीकृत रहते हैं, उनका जो निर्धारित राशि है वो भुगतान करे किसान, यहाँ से आपका समिति के माध्यम से उनको होता है निर्धारित, यहाँ से होता है सिस्टम जो निर्धारित है शासन से, उनको 7 रुपये 8 रुपये क्विंटल के दर से रहता है, 9 रुपये रहता है, 7 रुपये का मिलता है उनको, तो और लोडिंग अनलोडिंग सब अलग, जो गाड़ियां लोड करते हैं अलग है उनका। किसान मापदंड क्या है सर, निर्धारित जो मात्रा लेने का है? 7 रुपये वजन सर। वर्ष की भांति जो सरकार के द्वारा जो मूल्य तैयार किया गया था, क्या इस वर्ष कुछ परिवर्तन है समर्थन मूल्य? हाँ, समर्थन मूल्य में परिवर्तन है। अगले वर्ष समर्थन मूल्य 1940-1960 रहा, लेकिन इस वर्ष 2040-2060 है, तो 100 रुपये का अंतर है समर्थन मूल्य में। ये बोनस यथावत रहेंगे सर? बोनस नहीं, उसको हम बोनस नहीं मानते, उसको प्रदान सहयोग राशि के रूप में हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, हमारी सरकार दे रही करके। ये खरीदी का मापदंड क्या होगा सर, मापदंड वजन क्या होंगे? वजन तो 40 केजी का ही है।
वरदाना का अलग से रहेगा जी। कहीं कहीं पे ऐसा शिकायत आता है जैसे सर किसानों से लोग हमाली का काम करवा लेते हैं, चूँकि किसानों का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया उसमें सर, कैसे कैसे चढ़ाने वाने में कैसे क्या? किसानों का जैसे किसानों से काम हुआ सर, लेकिन उन लोगों को हमाली की जगह किसानों का काम कराया जाता है। नहीं उसमें क्या है कि कांटा तक लाने का काम किसान का है, किसान अपना धान लेके आएगा और उसको पहले ढोला करेगा और बोरा बंदी करके वो छोड़ देगा मशीन तक, तौल मशीन तक लेके किसान को आना है, तौलने के बाद जो स्टेकिंग का काम है वो समिति का है। सर किसानों के लिए अतिरिक्त कोई शासन या प्रशासन के द्वारा कुछ व्यवस्था कराया गया सर, जैसे छाया के लिए पानी पीने के लिए? नहीं है, अभी जो अभी मंडी बोर्ड जो बना हुआ है हमारे सूरजपुर में, उसके माध्यम से कई कार्यक्रम अभी दिए जा रहे हैं और समितियों में करीब 56 करोड़ की स्कीम बना हुआ, तो निश्चित रूप से रामनगर के लिए भी बना हुआ है और अन्य विषय समितियां उनके लिए भी बना हुआ है। किसानों को पिछले वर्ष वरदाने की कुछ किल्लत रहा है, इस वर्ष क्या स्थिति है? इस वर्ष नहीं होगी, अभी तक काफ़ी यहाँ पर बोरे के गठान आ चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बोल भी चुके हैं कि इस बार किसी भी तरह का बोरे की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि अगले बार मालूम हो गया था केंद्र सरकार के माध्यम से बोरा नहीं मिल पाया, इसलिए हमारी सरकार पहले से ही व्यवस्था करके रख ली है। चलिए धन्यवाद।